देखो, कैर और वेर कैर में डिफरेंस क्या होता है कि जब भी तुम कोई भी एक वेरिएबल असाइन करते हो या कोई भी कॉलम बनाते हो कैर से और एक कॉलम बनाते हो तुम वेर कैर से, तो उसमें डिफरेंस ये है कि जब भी कैर में बनाओगे तो जितनी मेमोरी स्पेस दोगे, जितनी मेमोरी स्पेस दोगे हर बार वो उतनी मेमोरी स्पेस पूरी एक्वायर करेगा। चाहे तुम डेटा आधा डालो, चाहे पूरा डालो, चाहे एक अल्फाबेट डालो उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वेर कैर में तुम जितनी मर्जी मेमोरी दे दो, जितनी मर्जी मेमोरी दे दो वेर कैर के अंदर, लेकिन वो कितनी मेमोरी एक्वायर करेगा जितना उसको डेटा दिया जाएगा। इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने कहा एक मार्क्स का, मैंने नहीं मार्क्स ने नेम कहते हैं, नेम कैर 20, ठीक है। और एक लेते हैं नेम वेर कैर 20, वेर कैर 20, ठीक है। अब नेम वेर कैर 20 और कैर 20 में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर मैंने यहाँ पे नेम दिया अंजलि, ठीक है, तो इसकी मेमोरी कितनी है, कितनी एक्वायर करनी चाहिए इसको? 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट है ना, तो 6 आएगी। लेकिन मेमोरी ओरिजिनल जो मेमोरी है वो कितनी है? 20। तो ये ऐसा नहीं है कि 6 एक्वायर करेगी, कैर के अंदर पूरी 20 एक्वायर करेगी। लेकिन जैसे ये है, मैं बना के दिखाती हूँ ना, मैंने कहा ANJAL, ठीक है, अंजलि हो गया 5, नहीं 6, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20, ठीक है। ये पूरा 20 क्या है, मेमोरी वो एक्वायर करेगा ही करेगा। लेकिन अगर इसके अंदर आपने नेम दिया है अंजलि, तो वो सिर्फ कितना करेगा मेमोरी एक्वायर? मेमोरी 6 चाहिए, और एक्वायर कितनी करेगा? 6, ठीक है। मतलब कि ANJAL, उसके आगे की जितनी भी मेमोरी होगी उसको वो फ्री छोड़ देगा। यहाँ पे क्या एक्वायर कर रहा है? एक्वायर्ड मेमोरी 20। तो ये तुम्हारा वेर कैर और कैर में डिफरेंस है, ठीक है। कि एक तुमने नेम दिया कैर 20 और एक नेम दिया वेर कैर 20, तो उसके अंदर जितने भी तुम अल्फाबेट दोगे, चाहे 5 दो, चाहे 4 दो, चाहे 10 दो, लेकिन वो मेमोरी कितनी लेगा? 20 ही लेगा, तुमने कैर के अंदर जो 20 दिया हुआ है। उसके बाद नेम वेर कैर 20, वेर कैर में क्या है, अगर तुमने 20 दिया है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो पूरी 20 ही एक्वायर करेगा। जितने तुम उसको लेंथ दोगे, उसकी स्ट्रिंग को लेंथ दोगे, मान लो जैसे अंजलि दिया हुआ है, वो 6 अल्फाबेट का है, तो 6 मेमोरी एक्वायर करेगा वो सिर्फ, मतलब 6 बाइट से 6 बिट जो भी उसकी एक्वायर करने की होगी वो उतनी मेमोरी एक्वायर करेगा, और बाकी सारी वो मेमोरी को फ्री छोड़ देगा ताकि आगे किसी और यूसेज में लेना चाहो तो आप उस मेमोरी को यूज कर सकते हो। तो यही डिफरेंस होता है आपका कैर और वेर कैर में। कैर में वो पूरी मेमोरी एक्वायर करेगा, चाहे जितना छोटा डेटा दो, चाहे जितना बड़ा डेटा दो। और वर्कर के अंदर क्या करेगा, जितना आप एक्वायर करने के लिए से डेटा दोगे वो उतनी ही मेमोरी एक्वायर करेगा, बाकी वैल्यू को एक्स्ट्रा वो छोड़ देगा किसी और पर्पस के लिए।
अब ये था हमारा वेर कैर और कैर। अब देखो अगला है MySQL कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट वो होते हैं जब आप एक कॉलम क्रिएट करते हो टेबल का, जब भी एक कॉलम क्रिएट करते हो टेबल का तो उसके साथ में आप क्या क्या प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट ऐड कर सकते हो, तो वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके। मान लो आपने एक बनाया नेम वेर कैर 20, अब उसके साथ आप और कितनी एडिशनल चीजें लगा सकते हो, जैसे कि फर्स्ट है आपका यूनिक, दूसरा है प्राइमरी की, डिफॉल्ट, चेक, फॉरेन की। अब ये क्या है, यूनिक मतलब कि अगर तुमने यूनिक लिख दिया नेम में, नेम कॉलम के साथ में, तो हमारा हमेशा जो डेटा आएगा उसके अंदर डिफरेंट डेटा आएगा, कभी भी कॉपी नहीं होगा डेटा की, मतलब कि सेम डेटा वो नहीं लेगा। यूनिक मतलब कि हमेशा अलग डेटा ही इनहेरिट करेगा और जो एंटर तुम करोगे डेटा वो एक जैसा डेटा कभी एंटर नहीं करने देगा। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जब भी तुम किसी कॉलम को बनाते हो तो तुम्हें पता है कि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती ही होती है, तो प्राइमरी की बनाने के लिए आपको पूरा प्राइमरी की लिखना पड़ता है उस कॉलम के आगे। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, कॉलम का नेम जब भी आप कॉलम क्रिएट करते हो, फिर उसका डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप बनाना है, और फिर उसके आगे उसकी प्रॉपर्टीज, अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज देनी है तो। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट मतलब अगर किसी में मान लो आपने कोई बनाया हो, कॉलम बनाया, उसके अंदर डेटा मान लो यूजर डालना भूल जाता है, आपने बनाया रिजल्ट का कॉलम, उसमें था रिजल्ट में पास और फेल, तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी फेल। डिफॉल्ट वैल्यू फेल दे दी तो उसका मतलब ये है कि जब भी आप मतलब डेटा उसके अंदर डालना भूल जाओगे, मतलब कि आपने पूरा टेबल का जो एक कॉलम था, मतलब पूरी जो रो थी उसके सारा डेटा डाल दिया, नेम भी डाल दिया, क्लास भी डाल दिया, उसका परसेंटेज भी डाल दिया, मार्क्स भी डाल दिया, लेकिन रिजल्ट डालना भूल गए कि पास है या फेल है, तो डिफॉल्ट क्या करता है कि अगर आप डालना चीज उसके अंदर भूल जाते हो, कोई भी चीज इंसर्ट करना भूल जाते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू जो दी होती है वो उसको इंसर्ट कर देता है। अगला है चेक कंस्ट्रेंट। चेक मतलब कि वो चेक करेगा कि क्या ये ब्लैंक है या फिर मतलब एम्प्टी है या फिर फिल्ड है, क्या है, तो वो उसको चेक करेगा कि क्या ये चीज ऐसी है, मतलब ये ब्लैंक और एम्प्टी, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, कुछ भी चेक कर सकता है वो, कि मैंने कहा कि जब भी मार्क्स एंटर हो तो वो हमेशा 50 से ज्यादा एंटर हो, तो चेक करने के लिए हम उसमें एक चेक की कंडीशन रख सकते हैं। दूसरा लास्ट है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की जैसे प्राइमरी की वैसी फॉरेन की, कि अगर आप कोई किसी भी की को फॉरेन की बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। अगला है डेटा टाइप। पहला कैर, वेर कैर, टाइनी टेक्स्ट, टेक्स्ट ब्लॉब, मीडियम टेक्स्ट, मीडियम ब्लॉब, लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग ब्लॉब, टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, ये सारे हमारे डेटा टाइप है, लेकिन जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो होते हैं हमारे इंटीजर, कैर, वेर कैर, ये ज्यादातर हम यूज करते हैं। और अगर हमें इंटीजर ना भी यूज करना हो तो हम हर जगह वेर कैर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेर कैर का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर मतलब कि वो आपके सारे अल्फाबेट्स को भी एक्सेस कर सकता है, आपके नंबर्स के कॉम्बिनेशन को भी एक्सेस कर सकता है, तो ये आपका क्या होता है, वेर कैर। अब ये आपके हैं MySQL ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या क्या, कोलन, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ये सारी चीजें क्या हैं आपके इसके अंदर यूज हो सकती हैं, लाइक और इन बिटवीन, केस, व्हेन, एल्स, देन, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर यूज होती हैं। अब आ जाती है क्वेरीज। तो क्वेरीज में सबसे पहले आपको सीखना होता है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, फिर उसके बाद जब अगर डेटाबेस क्रिएट हो गया, आप अगली बार जब उस डेटाबेस को यूज करना है तो कैसे करोगे, क्योंकि हर बार आप अपना नया डेटाबेस नहीं बना सकते, इसीलिए आपको एक ही डेटाबेस बनाना है और उसको यूज करना है। हाँ, अगर और किसी चीज के लिए, मान लो आपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का डेटाबेस बनाया, तो आपने ठीक है वो बना लिया,
लेकिन अब आपको लाइब्रेरी का बनाना, तो लाइब्रेरी का तो अलग बनाना पड़ेगा ना, स्कूल के साथ तो कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। या एक काम और कर सकते हो कि अगर स्कूल की लाइब्रेरी है तो स्कूल की लाइब्रेरी का डेटाबेस स्कूल के डेटाबेस के अंदर बना लो, लाइब्रेरी का डेटाबेस, तो वो क्या होगा, दोनों इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। अगला होता है फिर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें डेटा कैसे डाल, मतलब वो शो कैसे करोगे, सारी टेबल जितनी भी आपने उसके अंदर बना रखी है डेटाबेस के अंदर, शो कैसे करोगे कि कौन कौन सी टेबल है इसमें। शो द स्ट्रक्चर और डिसिप्लिनरी ऑफ द टेबल, मतलब कि एक टेबल आपने बनाई है उसका स्ट्रक्चर कैसे देखोगे, कि मतलब एक कॉलम है उसका क्या डेटा टाइप है, वो नल है या नहीं है, प्राइमरी की है या नहीं है, वो सारी चीज इसमें बताएंगे। फिर इंसर्ट डेटा, डेटा कैसे इंसर्ट करोगे, फिर जो आपने डेटा इंसर्ट किया उसे डिस्प्ले कैसे करोगे, डिस्प्ले करने के बाद अगर उसे डिलीट करना है तो कैसे करोगे, एक पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना है तो कैसे करोगे, अपडेट अ पर्टिकुलर डेटा इन अ टेबल, मतलब कि एक कोई डेटा है, मतलब एक किसी पर्सन का डेटा है या कोई भी डेटा है, वो आपको अपडेट करना है तो आप वो अपडेट कर सकते हो। व्यू कैसे क्रिएट करोगे, टेबल कैसे ऑल्टर करोगे, और अगर किसी से मिलती जुलती चीज, मतलब कि किसी को कंपेयर करके कोई चीज फाइंड आउट करनी है तो वो कौन सी कमांड से होगी, लाइक कमांड, ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, जॉइन क्वेरी, ड्रॉप और ड्रॉप डेटाबेस। इसके अलावा और भी हमारी क्वेरीज हैं, लेकिन ये हमारी बेसिक क्वेरीज हैं, तो सबसे पहले इन क्वेरीज को करेंगे, उसके बाद हमारे जो बाकी की क्वेरीज है, जो एक्स्ट्रा क्वेरीज है, जैसे एवरेज फंक्शंस है हमारे, एवरेज नहीं, एग्रीगेट फंक्शंस है, एग्रीगेट फंक्शन में मिनिमम मैक्सिमम एवरेज काउंट ये सारी चीजें आती हैं, तो वो सारी चीजें हम करेंगे, तो उनको एग्रीगेट फंक्शन को इनके बाद करेंगे।